तो गाइस पहले हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं एलविस यादव के बारे में। तो एलविस यादव उनके आज वाले ब्लॉग में फिर से फुकरा इंसान और उनके फैंस को इनडायरेक्टली रिप्लाई किया। तो एलविस यादव क्या रिप्लाई किए आप लोग खुद देख लीजिए। वो सामान कहाँ है? वो मेन सामान कहाँ है? मेन सामान भाई मेन सामान भाई इसे ले लो, मुझे बख्शो भाई भाई मुझे बख्शो भाई है ये है ये ले से लो भाई देख लिया मैंने ट्विटर पे पोस्ट यार इसे ले लो भाई एक इसको कूरियर कराओ हमारा पीछा छोड़ो भाई प्लीज आज जुड़ रहा हूँ तुम लोगों के आगे भाई इसे ले जाओ ये मेन जड़ इसे भी ले जाओ ये भी वहीं का ही है इसे भी ले जाओ घोड़े नहीं यो तो हमारा इसे तो ना दो भाई इसे भी ले लेना है यो चाहिए यो भी ले लेना अरे यो भी दो भाई बिग बॉस का मैंने चाहिए कुछ भी भाई क्या ही जिंदगी हो रखी है भाई हमें चाहिए सुकून प्यार भरी जिंदगी जैसी मेरी पहले चल रही थी हमें ना चाहिए सारी चीज बिग बॉस क्या लिख रखा है इस पे अभी ये मैं रुको एक चीज दिखाता हूँ इस पे लिख रखा है बिग बॉस OTT विनर सीजन 2 हूँ मैं वैसे ऑन रिकॉर्ड पर भाई इसके ये चाहिए तो भाई इसे अपने घर पर ले जाओ और ये सारी चीज़ें बैकआउट प्लीज़ है देख ली मैंने सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई हैं मैं अब जिक्र भी ना करूँ मुझे जिक्र करना भी नहीं बस मुझे ये है कि इतने दिन बाद मैं अपने घर पे आया एक अभी कितने कितने घंटे के लिए हूँ इधर थोड़ी सी देर के लिए हूँ मेरा काम धंधा बढ़िया चल रहा मुझे इन चीज़ों में पढ़ना नहीं ना मुझे किसी के गैल लगना मुझे बस अपना पैसा पूसा कमाना अपने जो ये वाला कर रहे पीछे वाला पला चुनेंगे। एलविस यादव का बात चल रहा है तो बात कर लेते हैं फुकरा इंसान के बारे में। रिसेंटली फुकरा इंसान विस्तारा एयरलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। तो फुकरा इंसान क्यों डिसअपॉइंटेड हो गए थे आप लोग खुद देख लीजिए। भाई यहाँ अलग ही सीन हो रखा है हम आए हमारे बैग में पावर बैंक था तो हम गए पावर बैंक लेने क्योंकि हमारी फ्लाइट से पहले उन्होंने हमारे को बुला लिया था कि तुम इधर जाओ अलग से पावर बैंक निकाल लो तो पावर बैंक निकाल दिया और हमने बैग दे दिया क्योंकि वो हमने पहले उसको चेक इन करा लिया था और हमने सोचा बैकपैक में नहीं लेके जाएंगे। अब भाई हम यहाँ पहुँच गए कह रहे बैग आपका वहीं रह गया मुंबई में जबकि हम पावर बैंक ले आए अपने साथ और बैग वहीं रह गया मुंबई में। भाई विस्तारा एयरलाइंस नेक्स्ट लेवल है मैं तो हैरान हूँ ऐसे तो मैंने पहली बार हुआ है। अब मेरे को कह रहे हैं आपका जो बैग है वो अलग से आएगा अलग फ्लाइट दिस इज समथिंग माय लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ भाई मतलब इतना इनकन्वीनियंस कॉज करना और ऊपर से कह रहे हैं हमारे को तुम आओ फ्लाइट अगली फ्लाइट जो आएगी 8:55 पे उस पर आना बैग लेने भाई ने बोलो कि डिलीवर कराएंगे ना जहाँ जाना है तो कहो जाएगा हम यही काम कोई रहेगा कि भाई पहले आओ अपने होटल जाओ फिर बैग लेने आओ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट न्यूज अंकित भयापुरिया के बारे में। तो रिसेंटली अंकित भयापुरिया एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा कोलाब किया है। अंकित भयापुरिया रिसेंटली मोदी जी से मिले तो उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आप लोग भी देखिए। राम राम सारायने क्या अंकित आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है वो स्वस्थ तभी हम स्वस्थ हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता के में विश्वास कैसा है अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। हाँ अंकित आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं दिन में 4 से 5 घंटे आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।